अस्सलामु अलैकुम कारोबारियों, मैं हूँ इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ अब्दुल्ला भाई मौजूद हैं, दीपालपुर उकाड़ा, वहाँ से तशरीफ लाए हैं। अरसा तकरीबन 6 साल से सेलमैनी कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों को बेचते हैं। मीठे बादाम हर कोई बेचता है, ये कड़वे बादाम बेचते हैं भाई। सोना हर कोई बेचता है, ये मट्टी बेचना जानते हैं। इसी तरीके से अब लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। ये भाई कहते हैं, इरफान भाई, बेचना मुश्किल ही कोई मसला नहीं, हमें तो प्रोडक्ट दो, मैं बेचना जानता हूँ, मैं बेच सकता हूँ। लेकिन पहले लोगों की चीज़ें बेचते थे, आज आए हैं कि मैंने अपनी फैक्ट्री लगानी है, अब मुझे बेचना आ गया है और मैं अपनी ही प्रोडक्ट बेचूंगा। अभी इन्हीं से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी है जी? ये अल्हम्दुलिल्लाह इरफान साहब, क्या हाल है आपके? शुक्र है शुक्रिया। अल्लाह का। ये बताए कितने अरसे से सेल मैनी कर रहे हैं? मैं अरसा 5-6 साल से सेलमैनी का काम कर रहा हूँ। बात शुरू करते हैं कड़वे बादाम से, कब खरीदे कब बेचे? कड़वा बादाम मैं तकरीबन 3 साल से सेल कर रहा हूँ, और ये जो है ना, मेरे पास इसकी अच्छी कटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और फैसलाबाद से मेरे पास आता है। और इसके अलावा खजूर, खशखाश और बाकी जितनी चीज़ें हैं, ये अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर सवाल ये है वगैरह। कि कड़वा बादाम कैसे बेचते हैं? अब ये एक राज की बात है कि मैं किस तरह बेचता हूँ। ये ज़्यादातर सरदाई में यूज़ होता है, सही है। ठीक है। सरदाई में इसकी 5% इसकी जो है ना मिलावट होती है, क्योंकि इसकी जो कड़वे बादाम की स्मेल होती है वो मीठे की निस्बत ज़्यादा होती है। मीठा बादाम आप 10 गिरियां भी खा लें, एक पाव भी खा लें, वो महसूस नहीं होगी। जो कड़वा बादाम है वो आप 1 गिरी खा लें, वो आपको महसूस कराएगी, उसकी खुशबू ज़्यादा होती है। इसलिए इसका जो है ना, इसकी उसमें सरदाई में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। जी अच्छा, इसके अलावा सीजन के अंदर कभी खजूरें बेच रहे हैं, जी कभी अल्हम्दुलिल्लाह। मसाला जात बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, तो ये सीजन टू सीजन चीजें चेंज क्यों करते हैं आप? वो इरफान भी इसलिए चेंज करता हूँ कि मेरे से बात देखें कि जो आदमी वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं ना करता, वो आदमी पीछे रह जाता है। अब मौसम जो है, रमज़ान शरीफ जिस तरह आया था, रमज़ान शरीफ में एक अच्छा टाइम था खजूर सेल करने का, तो मैंने वो मौका जाने नहीं दिया, मैंने खजूर सेल की। अब गर्मी का मौसम है, गर्मी में खशखाश बादाम वगैरह चलता है, सरदाई चलती है, ठीक है। मेरे पास खानपुर से, लियाकतपुर, इस इलाके के लोग आते हैं, वो वहाँ पे अड्डे लगाते हैं सरदाई के, तो वो मुझसे खचखाच लेते हैं। अब मैं कहूँ कि नहीं, मैं तो मिर्ची सेल करता हूँ, तो मैं तो ये नहीं सेल करूँगा, तो ये तो मेरी बदकिस्मती है। ठीक है। बेचने के हवाले से लोगों को मुतमईन कैसे करते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जिससे कस्टमर पिघल जाता? बेचने के वाले से ना इरफान भाई, मैं आपको एक बात बता दूँ, एक ही फार्मूला है। ये मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। ये एक मोबाइल है ना, इसकी कीमत है 500 रुपया। अगर आप इसको सेल करें 400 रुपये में, तो आप कर सकते हैं। अगर इसकी कीमत 500 रुपये है, तो इसमें 600 में सेल करूँ तो फिर मैं कारोबारी हूँ। सस्ता हर कोई सेल कर जाता है, महंगा सेल करना एक फन होता है। आप कैसे करते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह महंगा सेल करता हूँ। अब खशखाश हमारी मार्केट में, हमारे हवेली लखा की मार्केट में खशखाश इस टाइम 800 रुपये किलो चल रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 850 रुपये, 870 रुपये, 880 रुपये किलो सेल कर रहा हूँ। कैसे? यही तो गीदड़ सिंह क्या है भाई आपके पास? वो इसलिए ना कि मेरे पास जब कस्टमर आता है ना, तो मेरे पास खशखाश की इस दवा तकरीबन 30-40 बोरियाँ पड़ी हुई हैं। मैंने एक जो आटे छानने वाली छानी होती है वो लिए, पकड़ी है, इस तरह कपड़ा बिछाया उसको दिया मैंने, वो बुलाओ भी बैठो साफ करो इसको। उसने खुद साफ की, साफ करके 30 किलो 40 किलो को उसने आधा पौना घंटा लगाया साफ की। उसको तसल्ली होगी कि अब इसमें ना मिट्टी है, ना कचरा है, ना जो कुछ है भाई। जो 2 किलो मिट्टी निकली है, 3 किलो मिट्टी निकल गई है ना, इसके पैसे मैंने लेने हैं। वहां से आपको बाजार से मिलेगी 800 रुपये में, उसमें मिट्टी भी होगी, कचरा भी होगा, आप घर जाके साफ करोगे। ये जो निकल गई है ना, ये आपके सामने है, लेकिन मैं 850 रुपये दूंगा, सही। ठीक है भाई? आप 850 ले लो, लेकिन साफ सुथरी चाहिए हमें, इस तरह भी चाहिए, बस तो इस साफ तरह। सुथरी भी आप ही करके देते हैं आपके जी मैं टीम? खुद करता हूँ। अच्छा। कस्टमर आते हैं मेरे पास, उनको बिठा देता हूँ, बैठो पानी शानी पियो, आप बैठो मेरे पास,
खुद साफ की, मेहनत खुद करता हूँ मैं, साफ करके 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो दे दी, किसी ने 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, बकाया हफ्ते बाद टर्न पे गया और बकाया पैसे ले लिए, बकाया फिर और दे दी। जबरदस्त। इसके अलावा और क्या कुछ बेच रहे हैं? इसके अलावा मेरे पास दड़ा मिर्च होती है, पीसी मिर्च, हल्दी, साबत धनिया, पिसा धनिया, कसूरी मेथी, जवैन, चना साल्ट, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, चिकन पाउडर, ठीक हो गया, काली मिर्च साबत पीसी हुई, ये मैं खुद ग्राइंड कर रहा हूँ, गरम मसाला साबत पिसा हुआ, पिसाई मैं खुद कर रहा हूँ उसकी, गरम मसाले की, काली मिर्च की, ये चीज़ें मैं खुद ग्राइंड करता हूँ। इधर आज किस सिलसिले में आया? इधर मैं आपके पास इस सिलसिले में आया था कि काफ़ी अरसा हो गया मुझे, 5 साल हो गया मैं ये जो चीज़ें सेल कर रहा हूँ, मैं इसको किसी पैकिंग में नहीं ला सका, मेरा नाम नहीं है कोई भी मार्केट में, लोग ब्रांड नहीं है, लोग मेरी शक्ल से तो वाकफ है, मेरी प्रोडक्ट से वाकफ नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अपनी फैक्ट्री बनाऊँ, मैं सेल करना जान गया हूँ, अब कोई ऐसी प्रोडक्ट जो मैं मार्केट में लाऊं और वो मेरे नाम पे हो, ताकि लोग शक्ल के बाद मेरी प्रोडक्ट भी जो है ना, वो मेरे चेहरे के बाद मेरी प्रोडक्ट भी जानते हो कि ये इसकी प्रोडक्ट है, मैं इसलिए आपके पास तो ये ख्याल कैसे आ गया भाई अपने ही प्रोडक्ट का? ये ख्याल अब देखिए, अब मार्केट से दुनिया धक्के खा के सीखा? मार्केट से धक्के खा खा के मोटरसाइकिल पे सेल में नहीं कर करके, अभी भी मोटरसाइकिल पे सेल में नहीं कर रहा हूँ, साथ मिर्चें होती हैं, साथ खशकाश होती है, साथ बादाम होते हैं, अब मिर्चों के साथ खशकाश या बादामों का कोई जोड़ नहीं बनता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मोटरसाइकिल पे सेल में नहीं कर रहा हूँ, अपने इलाके में देहात में ही कर रहा हूँ। अभी एक फलसफा समझाया छोटा सा, किस किस चीज़ में फ़र्क है सेलमैन में और फैक्ट्री? फैक्ट्री मालिक में फर्क होता है कि नहीं, फर्क होता है, बिल्कुल थोड़ा होता या है, ज्यादा? बहुत ज्यादा फर्क होता और है, बहुत ज्यादा ज्यादा फर्क। फर्क होता है। सेलमैन है, मैनेजर है, हाँ जी, डिप्टी मैनेजर है, तो आखिर वो फैक्ट्री मालिक है। वो फैक्ट्री मालिक है, बिल्कुल बस जो वो फैक्ट्री मालिक है तो वो बनना है पहले, इंशाल्लाह जिसमें 5 साल लग गए आपको समझते समझते, जी। आज ओ से शुरू कर लो, उस लेवल से शुरू कर लो, अपना ब्रांड इधर ही रजिस्टर हो जाएगा, इधर स्टिकर हो जाएंगे, इधर ही प्रिंटिंग हो जाएगा। जब मैंने कहा कि सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा और आज ही हो जाएगा तो कैसा लगा? बड़ी खुशी हुई है मुझे कि यहाँ पे अगर सब कुछ मुझे मिलता है तो मुझे कहीं जो है ना दफ्तरों के, महकमा फूड के, ऑफिस के मुझे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, मुझे पता है कि महकमा फूड वाले क्या करते हैं, मैंने ये चक्कर देखे हुए हैं सारे, और कंपनियों के साथ चटखारा, मूनब्राइट वगैरह के साथ अच्छे तल्लुक आते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो नवाब फूड वाले अच्छे दोस्त हैं, सतारा फूड वाले भी अच्छे दोस्त हैं, मुलाकात है, मुझे पता है कि ये महकमा फूड वाले क्या चक्कर कर रहे हैं, क्या हालात कर रहे हैं, तो मेरी, मैं इसी वजह से परेशान था, आपके पास आने का मकसद ही यही था कि मैं उस साइड पे चला गया तो मैं या तो कारोबार करूंगा तो या रजिस्टर करवा सकूंगा, एक ही काम कर सकूंगा, या मैं रजिस्टर करवा के करवाए, अल्लाह करम करेगा। अच्छा, इंशाल्लाह। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, बहुत से सेलमैन ऐसे हैं जो मार्केट में जाके फ्लॉप हो जाते हैं, जी, उनको क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूंगा कि भाई मार्केट में फ्लॉप जो हो जाते हैं ना, मेरी समझ से बालात आ रहा है कि वो फ्लॉप किस तरह हो जाते हैं, मार्केट तो आदमी को जो इस तरह एक हीरा बना देती है, मैंने तो यही सीखा है कि मैंने एक गालबन 10 किलो पहले दिन मिर्च मैंने एक कोल्लू से पिसाई थी, कोल्लू से पिसवाई थी 10 किलो मिर्च, और आम सफ़ेद शापर में पैक करके मैं बेचने गया था, और उससे शुरू किया, फिर ऐसा ऐसा मेरा जो उस्ताद था उसने मुझे फिर कहा कि यार इसके साथ ऐट में ऐड करो, मैंने कहा मैं इसके साथ क्या ऐड करूं, फिर उसने कहा कि यार इसके साथ हल्दी लेके जाओ, फिर दड़ा मिर्च लेके गया, फिर करियाने वालों को दे रहा था तो महकमा फूड के इशू बन गए, महकमा फूड वालों ने वो सफ़ेद शापर नहीं चलने दिया, तो मैं फिर पीछे हट गया, फिर मैं इसको बंद करना चाह रहा था लेकिन मेरे उस्ताद ने कहा कि नहीं इसको बंद ना करो तो आप चलो आगे, मैंने कहा चलो ठीक हो गया, फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैंने होटलिंग शुरू कर दी, उसके साथ साथ होटल वालों ने मुझे कहा कि हमें भाई जो है ना अदरक पाउडर चाहिए, लहसुन पाउडर चाहिए, चिकन पाउडर चाहिए, हमें कचरी मतलब पाउडर, मार्केट में गए तो रास्ते बने। रास्ते बने, फिर मुझे मेरे उस्ताद ने मुझे फिर फैसलाबाद मंडी का रास्ता दिखा दिया, फिर फैसलाबाद जाना शुरू कर दिया, फिर मेरा फैसलाबाद से माल आना शुरू हो गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चना साल्ट फैसलाबाद से आ रहा है, काली मिर्च फैसलाबाद से आ रही है, गरम मसाला फैसलाबाद से आ रहा है, सुर्ख मिर्च मेरी मुल्तान से आ रही है, हल्दी मेरी मुल्तान से आ रही है, यानी कि मुख्तलिफ सोर्स से चीज़ें आप अरेंज कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। मिशन मकसद यह है कि बिजनेस को प्रमोट किया जाए, बिजनेस मैन को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, खालिस चीज़ों को प्रमोट किया जाए,
ताकि आप